दोस्तों अपने देश की जनसंख्या के नाल नाल प्लास्टिक भी वधदा जा रहा है। ये प्लास्टिक ना तो गलता है तो ना ही इनू खत्म करन दा कोई होर तरीका है। हाल ही भारत सरकार वालों सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बैन करन दा कानून पास करके एक बड़ा कदम उठाया गया सी, पर इनू लागू करना इन्ना आसान नहीं। दस्या जा रहा है कि भारत में कुछ ही दिनों में पॉलीथीन के लिफाफे ते डिस्पोजल बैन हो जा रहे हैं, पर अपने देश में यह चीज़ का हल भी लभ लिया गया है जो तुहानू अगे इस वीडियो में दसन जा रहे हैं। तो खेतों में साड़ी जाने वाली पराली तो की बनाया जा रहा है, यह भी तुहानू अगे दिखाने जा रहे हैं। तुसी इस वीडियो नाल अंत तक बने रहो। इस तरह के तरीके तुसी पहला नहीं देखे होणगे, कई कंपनियां ने अजिहा करके दिखा दिता है। हमेशा की तरह तुहानू कुछ नवं दसांगे, उस तो पहला तुसी साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लो क्योंकि इस तरह दीआं होर वधिया वधिया वीडियोज़ तुहाडे लई लैके आ रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, यह तरीका अपने लोगों लिए भी बहुत वधिया ते अपने वातावरण लिए भी बहुत वधिया है। दोस्तों दिल्ली की एक कंपनी है इको इंडिया। इको इंडिया कंपनी गन्ने के वेस्ट मटीरियल तो अजिहे प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि पूरी तरह इको फ्रेंडली ने। आसान भाषा में कही तो वेस्ट मटीरियल तो बने गन्ने के ये प्रोडक्ट्स नूं वरतन तो बाद आसानी नाल खत्म किया जा सकता है, तो ना ही इसका कूड़ा बनेगा तो ना ही गंदगी। ये कंपनी में काम करने वालों में महिलावां भी शामिल ने। 1 जुलाई तो प्लास्टिक के लगे बैन ने यह कंपनी के काम में होर भी वाधा कर दिता है। हुण गल करदे आं कि पराली तो किवें बन रहे ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब पराली प्लास्टिक की जगह किवें लै रही है। दोस्तों तुसीं प्लास्टिक तो डिस्पोजल के बर्तन बनते तो देखे होणगे, पर तुसीं कदे पराली तो चमच प्लेटां ते कौलियां वर्गियां चीज़ां बनदियां नहीं देखियां होणगियां। ये बिल्कुल सच है, तो अगे तुसीं यही देखण जा रहे हो कि किवें पराली तो ये चीज़ां तैयार कीतियां जांदियां ने। अंकड़ियां दे मुताबिक हर साल सर्दियां आउण तो पहलां पंजाब ते हरियाणा विच लगभग 2 करोड़ टन पराली नूं साड़ दित्ता जांदा है, तो इहदे नाल प्रदूषण तो हुंदा ही है। पर साल 2014 में एक क्रिया लैब्स नाम की एक छोटी जिही कंपनी ने इसते काम करना शुरू किया सी, मतलब पराली तो डिस्पोजल वर्गे बर्तन बनाने शुरू किए सी। ते हुण जो प्लास्टिक बंद हो जाएगा तो यह प्लास्टिक के समान नालों भी सस्ते मिलने। दोस्तों हुण तुहानूं दस दें कि यह किवें तैयार किए जाते हैं। सब तो पहला पराली नूं छोटे छोटे कतरियां विच कट लिया जाता है, उस तो बाद इस नूं चंगी तरह धोया जाता है जिस दे नाल पराली ते लगी धूड़ ते धुआं अलग हो जाते हैं, ते फिर भाफ नाल बरीक पराली नूं पकाया जाता है ताकि इसका वधिया पेस्ट बनाया जा सके। पेस्ट बनने तो बाद इसनूं सांचियां विच पा के पराली तो हर तरह के डिस्पोजल बर्तन तैयार कर ले जाते हैं। तो यह कंपनी चलाने वालों का भी कहना है कि असी जल्द ही यह मशीनों आम लोगों तक भी पहुँचा देंगे, यह मशीन आने वाले समय में लोगों के आमदन का साधन भी बनगियां। तो दोस्तों यही जानकारी असी अज तुहाडे तक पहुँचाई। उम्मीद करते हैं तुहानूं यह वीडियो चंगी लगी होगी। तो इस तरह होर वीडियोज़ देखना चाहते हो तो तुसीं साडे चैनल हुणे सबसक्राइब कर लो क्योंकि इस तरह दीआं होर बहुत वधिया वधिया वीडियोज़ तुहाडे लई लैके आ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी होर वीडियो के नाल।